सभी माताएं बहनों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मातृ वंदन योजना की जो नौवीं किस्त है इस बार भी रुक जाएगी। केवल केवल इन माताएं बहनों का पैसा जो है 1000 रुपए जो किस्त मिल रहा है वो जो इस महीने भी रुक सकता है। क्यों रुक सकता है, किस कारण रुक सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को आप जो है कम्प्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताते हैं कि मातृ वंदन योजना के जो किस्त है वो क्यों रुक सकती है, क्यों रुक सकती है और जो है किस कारण से रुक सकती है, चलिए विस्तार से आप लोग बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मातृ वंदन योजना के ऑफिशियल साइट पे हम ऑफिशियल साइट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 3 लाइन दिए गए, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर भुगतान एवं यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर मातृ वंदन योजना लाभार्थी आवेदन भुगतान की स्थिति यहाँ पर क्लिक किया हमने और क्लिक करने के जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर लाभार्थी क्रमांक या मोबाइल नंबर या यहाँ पर जो है आधार नंबर तो हटा दिया गया, मोबाइल नंबर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उन महिलाओं का जो पैसा है रुक सकता है, किन महिलाओं को चलिए बता देते हैं। यहाँ पर भुगतान की स्थिति चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर भुगतान की स्थिति को हम चेक करते हैं, यहाँ पर किस हिसाब से चेक करते हैं, लाभार्थी क्रमांक के हिसाब से चेक करते हैं। चलिए लाभार्थी क्रमांक डालते हैं और यहाँ पर या मोबाइल नंबर डालते हैं, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। हमने जो यहाँ पर स्टेटस ओपन कर लिया, यहाँ पर भुगतान की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर 1000 रुपए की राशि यहाँ पर 3/3/2024 के मातृ वंदन योजना की राशि ₹1000 खाता क्रमांक इतना में अंतरित की गई है, इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, मतलब जो है यहाँ पर सभी जो पैसा है सभी जो तीन से लेकर यहाँ पर जो है 9 तक यहाँ पर पैसा को भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 10/2024 का भुगतान प्रेरित किया गया था, आधार संबंधी एवं खाता संबंधी कारणों से भुगतान रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो है स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से शो कर रहा है। ठीक है, तो इनका जो सबसे पहले तो इनका जो प्रॉब्लम को मैं बता दूं, यहाँ पर जो इनको प्रॉब्लम हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये हमारे घर का ही है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे घर का मेरी बड़ी माँ है, तो इसमें जो है प्रॉब्लम ये था, इनका मैंने यहाँ पर स्टेटस चेक किया। सबसे पहले तो इनका जो आधार शेडिंग है वो चेक किया, आधार शेडिंग चेक किया तो यहाँ पर पता चला कि आधार शेडिंग इनका जो है 9 है, मतलब जो है इनका DVD एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, और सभी लोगों को जितने माताएं बहने को जितने भी मातृ वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन किए हैं इनको सभी को जो है DVD करना अनिवार्य था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनका जो DVD है वो जो है इनएक्टिव हो चुका है, मतलब जो है बंद है, मतलब जो है कोई भी बैंक में इनका जो DVD नहीं है। ठीक है, तो इनका पैसा रुका हुआ है, अभी तक रुका हुआ इनका जो पैसा है वो जो है वापिस हो गया है, रिटर्न हो चुका है। ठीक है, वापिस हो चुका है, तो इनको जो है क्या करना पड़ेगा, देखिए इनको जो है सबसे पहले यहाँ पर बताया दोस्तों, इनका जो पैसा ये आ रहा था पैसा यहाँ पर देख रहे हैं, जितना है पैसा आ रहा था ये जो NEFT के माध्यम से इनको ट्रांसफर किया गया है, जितना भी इधर पैसा आया है, मतलब यहाँ पर 7 किस्त इनको मिला है NEFT के माध्यम से जो है इनको पैसा मिला है। लेकिन जैसे दोस्तों यहाँ पर 8वां किस्त जारी हुआ तो इनका जो DVD है DVD के माध्यम से भेजा गया, लेकिन DVD के माध्यम से इनका जो आधार संबंधी खाता संबंधी इनको रिटर्न हुआ, तो इसको मैंने चेक किया तो पता चला कि इनका जो आधार शेडिंग है वो जो है नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनको जो है क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपका भी स्टेटस हो रहा है और इस बार जो है 8वां किस्त नहीं मिला है। ठीक है, इस बार जो 8वां किस्त नहीं मिला है तो इन माता बहनों को जो है DVD कराना अनिवार्य है। ठीक है, तो DVD आप लोग अभी से चालू कर दीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, चेक करने का तरीका मैंने पहले ही बता चुका हूं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वीडियो है हमारे चैनल पे, आप ऑनलाइन ही घर बैठे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है दोस्तों वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पे स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से चालू कर दीजिए ताकि आपका जो आधार शेडिंग है वो अनेबल हो जाए, मतलब जो है DVD सक्रिय हो जाए, सक्रिय होने के बाद दोस्तों आपका जो पैसा है, ठीक है, आपका जो पैसा है जो 1000 रुपए मिलता है हर महीने मिलता है वो जो है ना चुके और आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग DVD अपने खाते को एक्टिवेट करा लीजिए, DVD सक्रिय करा लीजिएगा, बैंक जाके करा सकते हैं, ये तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारे बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी दिया है, तो बैंक में भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं या बैंक भी जा सकते हैं। ठीक है, बस यही जानकारी देनी थी, जानकारी आप लोग अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, तमाम दोस्तों शेयर करना, अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।